हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में गोलकोंडा किले के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों भारत में कई राजाओं महाराजाओं ने अपने रहने के लिए या आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बनी हुई है। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा की गई थी। ये किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उनके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा। इस दरवाजे को स्टील स्पाइकर्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते हैं। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहां का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहां पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाए तो इसकी आवाज बालाहिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई दी। इस जगह की तालियां मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुँचाने के लिए बनाई गयी थी, लेकिन अब तक इस सुरंग को कुछ पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में आने वाला बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।